हेलो दोस्तों, अंकित बिजनेस ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली तुषार टॉयज के यहाँ से, जो कि डील करते हैं अल्टाइफ ऑफ चुटपुटिया टॉयज में, बलून में, और इनके पास लॉटरी वाले आइटम मिलने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास वाले बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, शॉप के ओनर से बात करते हो, जानते हैं इनकी वैरायटी के बारे में। हेलो भैया। हेलो सर जी। भैया, अपनी शॉप का क्या नाम है? तुषार टॉयज। तो भैया, अपना एड्रेस क्या रहने वाला है? ये अपना सदर बाजार तेलीवाड़ा चौक प्रताप मार्केट 5402/4। अच्छा, तो भैया आप कौन कौन सी आइटम में डील करते हैं? सर, हम छुटपुटी खिलौने में डील करते हैं। हाँ? बैलून्स में, और 5-10 रुपए की सेल वाले आइटम मिल जाते हैं अपने पास, है ना। तो भैया, अपनी डील होलसेल में रहने वाली ना? हाँ जी, होलसेल, रिटेलर नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई घर बैठे ऑर्डर देना चाहे तो कम से कम कितने का ऑर्डर दे सकता है? कम से कम सर 10,000 का। अच्छा, कम से कम 10,000 का ऑर्डर रहने वाला है ना जी। जी भैया, कहाँ से दिखाने वाले वैरायटी? सर, अपना ये सन गुब्बारा है। अच्छा, ये 27 रुपए के 60 पीस है। अच्छा, ये देख सकते हो, बलून आने वाला है, 27 रुपए के 60 पीस मिलेगा, है ना। तो भैया, कितने पीस का ये बंडल होता है अपना? 10 पीस का। अच्छा, 10 पैकेट का बंडल होता है ना। तो 10 मतलब पैकेट, 10-10 पैकेट लेने होंगे ना, पैक के पैक, है ना। अच्छा, लूज नहीं मिलेगा, एक एक पैकेट, है ना। अच्छा, ये देख सकते हो 27 रुपए में 60 पीस मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद कौन सी वैरायटी आएगी बलून में? सर, अपना ग्रीन एप्पल है, 32 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो, ग्रीन एप्पल करके ये चलता है बलून, 32 रुपए में 100 पीस मिलेगा ना। तो भैया, क्वालिटी वगैरह अच्छी मिलेगी? क्वालिटी मीडियम है। अच्छा, 100 पीस मिलेंगे ना कंप्लीट, है ना, 100 पीस गारंटी के साथ मिलेंगे ना। अच्छा, इसके बाद कौन से वाले बैलून आएगा? ये अपना ब्राउन एप्पल है, 34 रुपए। हाँ, 100 पीस पूरा। अच्छा, ये भी 34 रुपए में 100 पीस कंप्लीट मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो, मात्र 34 रुपए में 100 पीस मिलेगा। तो आप क्वालिटी वगैरह भी चेक कर सकते, मतलब मीडियम क्वालिटी मिलेगी ना, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के और महंगे आने वाले। चलो जी, 38 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो, एप्पल टॉयज के नाम से ये आने वाला है, ये एप्पल बलून है ना। ये देख सकते हो आप, 38 रुपए में 100 पीस आएंगे इसमें, है ना। ये जी आपका चिड़िया बैलून। अच्छा, ये चिड़िया होने वाली है ना। अच्छा, ये 38 रुपए में 50 पीस है ना। तो भैया, 2 रुपए सेल वाला है क्या? हाँ जी, 2 रुपए सेल, 2 रुपए सेल वाला है ना। तो 38 रुपए में 100 की सेल आने वाली है ना। ये देख सकते हो आप, चिड़िया बनने वाली है, काफी अच्छा मिलने वाला है बलून। ये आपका बीटी बैलून है। अच्छा, ये आपका 62 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो, 62 रुपए के 100 पीस मिलने वाले हैं यहाँ से, है ना, बीटी बैलून के नाम से चलता है ना। अच्छा, ये आपकी हार्ट शेप बैलून है, ये आपके 60 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो, हार्ट शेप बैलून कितने रुपए के? 60 रुपए के 100 पीस मिलने वाले हैं ना। 60 पैसे का एक बलून पड़ जाएगा ऐसे ना। ये मतलब बलून में तो अधिकतर आइटम 10 पैकेट के आते हैं अपने पास, है ना। अच्छा, ये अपना पिंक एप्पल है। अच्छा भैया, 45 रुपए के 100 पीस। 45 रुपए में 100 पीस। अच्छा, 45 रुपए के 100 पीस आएंगे, है ना। ये 45 पैसे का पड़ जाता है, तो ये 1 रुपए की सेल में तो आराम से निकलने वाला आइटम, है ना। अच्छा, ये अपनी फुरफुर है, 32 रुपए के 50 पीस। अच्छा, सीटी वाला है ना बलून, 32 रुपए में 50 पीस आएंगे ना। अच्छा, ये भी 1 रुपए सेल में निकल जाएगा आराम से। ये अपना स्मॉल प्रिंट है। हाँ, 120 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो, 120 रुपए में 100 पीस है ना, 1 रुपए 20 पैसे का पड़ने वाला है, और 2 रुपए की सेल में आराम से निकल जाएगा, 200 की सेल आएगी ना। ये प्रिंट बैलून है। हाँ, 135 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो। अच्छा भैया, 1 रुपए 35 पैसे में पड़ेगा, 5 रुपए में सेल हो जाएगा ना, काफी अच्छी क्वालिटी मिलेगी ना। ये देख सकते हो, इसके ऊपर प्रिंट वगैरह भी काफी अच्छे हैं। अच्छा, इसके बाद अपना डॉट है, 140 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो आप, 140 रुपए में 100 पीस, 1 रुपए 40 पैसे का यहाँ से आने वाला है ना। इन आइटों पर मार्जिन वगैरह काफ़ी मिल जाता है, आप यहाँ से लेके अपने मार्केट में होलसेल भी कर सकते हो, आप अपने वहाँ के दुकानदारों को होलसेल में भी सेल कर सकते हो, 10-15% 20% का मार्जिन लेके वहाँ पे भी सेल कर सकते हो। इसके बाद ये कौन सा है? रेड लव बैलून है। अच्छा भैया, 160 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो, 160 रुपए में 100 पीस है ना, तो ये भी 1 रुपए 60 पैसे का पड़ने वाला है। तो ये सब आइटम 5-5 रुपए की सेल वाले हैं, तो है ना। ये अपना 150 रुपए के 100 पीस। ये देख सकते हो, 150 रुपए में 100 पीस। तो अपने पास बैलून वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है भैया, है ना। अपना कलरफुल स्माइली है। अच्छा, ये 160 रुपए में 100 पीस। 160 रुपए में 100 पीस है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सी वैरायटी कवर करने वाले भैया? सर, ये 5 रुपए पत्तों में वैरायटी है। अच्छा, ये देख सकते हो, पत्ते वाले आइटम आते हैं ना, वो मिलने वाले 5 रुपए की सेल में ना। अच्छा, ये आपका 55 रुपए का है। अच्छा, 55 रुपए में 20 पीस। तो भैया, पत्ते में हर आइटम 20 पीस में मिलेगा ना? हाँ जी, ये देख सकते हो ना, ज्यादातर 20 पीस में मिलने वाला है, ये 55 रुपए में 20 पीस आने वाला है। देख सकते हो बच्चों के लिए कितना अच्छी वैरायटी है। अच्छा भैया, इसके बाद सर, ये कैसीनो गेम है। ये देख सकते हो, कैसीनो गेम मिलेगा 55 रुपए के। अच्छा भैया, ये भी 20 पीस 55 रुपए में मिलेगा ना। हाँ, ये स्लेट है बच्चों की। ये देख सकते हो, एक स्लेट मिलने वाली है। अच्छा भैया, 60 रुपए में 20 पीस मिलेगा ना, 3 रुपए का पर पीस मिलेगा, 5 रुपए की सेल हो जाएगा ना। पैराशूट पत्ता, ये देख सकते हो, पैराशूट पे। अच्छा, 70 रुपए में 20 पीस है ना, 3.5 रुपए का पड़ने वाला है। ये मेटालिक कार है अपनी। हाँ, ये 65 रुपए के 20 पीस। ये देख सकते हो आप, 65 रुपए में 20 पीस मिल जाएगी। तो भैया, मतलब इसमें क्या कार, ये डंडी से चलती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये देख सकते हो, चाबी वाली कार है,
स्ट्रिंग का, तो काफी अच्छी वैरायटी है ना। ये अपना नेल्स, ये देख सकते हो, एक नेल्स की वैरायटी मिल जाएगी 20 पीस, 65 रुपए में 20 पीस है ना। ये देख सकते हो आप, ये अपना दिल मुक्का है, इसमें मुक्का मारोगे फूल जाएगा। ये देख सकते हो मुक्का मारने पे फूलने वाला है ना। अच्छा 58 रुपए में 20 पीस है ना, तो 58 का लेके यहाँ से 100 रुपए की सेल आने वाली है आपको। रिटेल में काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है इन प्रोडक्ट पे। ये अपना 52 रुपए के 20 पीस सरगम है, ये देख सकते हो एक वैरायटी सरगम मिलेगी जो 52 रुपए के 20 पीस आएंगे, 100 रुपए की सेल में रिटेल में सेल होने वाला है। ये अपनी गुलेल है 40 रुपए के 20 पीस। अच्छा भैया 40 रुपए के 20 पीस, 2 रुपए की सेल में, मतलब 2 रुपए का पर पीस पड़ने वाला है, 5 रुपए की सेल में बिक जाएगी ना। ये आपका 60 रुपए के 20 पीस। अच्छा ये क्या वैरायटी है? लेंस है आपका। अच्छा ये लेंस है ना, 60 रुपए के 20 पीस है ना, 3 का पड़ेगा, 5 के सेल में चल पड़ेगा। दाना है। अच्छा भैया 45 रुपए के 20 पीस, ये देख सकते हो दाना मिलेगा 45 रुपए के 20 पीस है ना। अच्छा भैया तो भैया ये 5 रुपए की सेल वाला है ना। अच्छा कितना सिटी बैलून है, ये देख सकते हो एक सिटी बैलून मिलेगा। अच्छा भैया कितने के? 54 रुपए के। अच्छा 54 रुपए के 20 पीस मिलेगा ना, ये 5 रुपए की सेल वाला आइटम है, देख सकते हो आप। अपना नाइफ है 40 रुपए के 20 पीस, ये देख सकते हो 2 रुपए का पड़ने वाला है, यहाँ से 5 रुपए की सेल में जाएगा, 40 का लेके आप 100 रुपए की सेल बना सकते हो ना। ये अपनी नैनो कार। अच्छा भैया 45 रुपए के 20 पीस, ये देख सकते हो 45 रुपए में 20 पीस कार आने वाली है। ये अपनी क्ले है, ये देख सकते हो एक क्ले पत्ता मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा मात्र 50 रुपए के 20 पीस, 2.5 का पड़ेगा, 5 रुपए की सेल में निकल जाएगा ना। एक ले अपनी दर्जन में भी है। हाँ आपकी 35 रुपए के दर्जन, ये देख सकते हो 35 रुपए में 12 पीस मिलेगा ना, 3 रुपए का पड़ने वाला है और 5-10 रुपए की सेल में आराम से निकल जाएगा। अपना 40 ये 20 पीस वाला है, हाँ 54 रुपए का, ये देख सकते हो आप है ना, बलून मतलब ये क्या डंडे के साथ बलून मिलेगा। ये अपना 40 रुपए के 20 पीस, ये देख सकते हो आप 2 रुपए का पड़ने वाला है। यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम मिलने वाले, वैरायटी और आइटम्स की कमी नहीं रहने वाली, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आइटम। ये किस रेट में आने वाले भैया? ये भी अपना 55 रुपए के 20 पीस, ये देख सकते हो 55 रुपए में 20 पीस पड़ने वाला है। यहाँ से काफ़ी अच्छे है वैरायटी। कितने पीस रहते हैं भैया एक पाउच में? एक पाउच में 5 पीस। अच्छा एक पाउच में 5 पीस रहने वाला, 5 रुपए का पड़ने वाला बिकने वाला है ना, 100 रुपए की सेल आएगी इसमें। अपना एक ये देख सकते हो है ना, इसमें 12 पाउच है। हाँ एक पाउच में 10 पीस है। अच्छा एक पाउच में 10 पीस है ना, 10 की सेल का, 10 की सेल का है ना। अच्छा कितने का पड़ेगा अपने? 70 रुपए का, 70 का पड़ेगा और 120 की सेल आने वाली है ना। और देख सकते हो काफी फैंसी आइटम मतलब पैकिंग मिलने वाली इसके ना। अच्छा ये अपना छपता है, अच्छा ये है ना अपना ब्रांड की छपता है ना, ये देख सकते हैं। अच्छा पूरे मार्केट में अपने पास ही मिलने वाला है आइटम। अपना चश्मा पत्ता, हाँ ये आपका 56 रुपए के 20 पीस, ये देख सकते हो 56 रुपए के 20 पीस मिलने वाला है, ये देख सकते हो आप। तो ये 100 रुपए की सेल में जाने वाला है ना, रिटेल में 100 रुपए बढ़ने वाले हैं इस पे। अच्छा ये अपनी छिपकली है, हाँ ये आपका 54 रुपए के 20 पीस, ये देख सकते हो छिपकली मिलेगी यहाँ से 54 के 20 पीस मिलने वाले ना। अच्छा भैया अपना नेल्स है वाइट नेल्स, ये 70 रुपए के 24 पीस। अच्छा ये 70 रुपए में 24 पीस मिलेगा ना। अच्छा 120 रुपए बढ़ने वाले हैं इसमें ना, 70 का लो 120 बन जाएंगे, काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलेगा और बच्चों के द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं आइटम। ये आपका 56 रुपए के 20 पीस। अच्छा ये देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं भैया? लट्टू। अच्छा लट्टू फिरकी बोलते हैं ना। अच्छा ये अपना दाना है, ये देख सकते हो 30 रुपए का। अच्छा 30 पीस 30 रुपए के ना, 2 रुपए की सेल वाला आइटम है ना। अच्छा 60 रुपए बन जाएंगे। ये अपना किचन 50 रुपए पत्ता, ये देख सकते हो 50 रुपए में कितने पीस आएंगे भैया? 20 पीस, 50 रुपए में 20 पीस आने वाले ना। अभी अपनी लॉटरी आ जाती है, 70 रुपए में 208 पर्चियाँ। अच्छा 70 रुपए में 208 पर्चियाँ मिलेगी ना, ये देख सकते हो 70 रुपए का पड़ने वाला है यहाँ से और 208 रुपए की सेल में जाने वाला है ना। ये अपना 150 रुपए का है। अच्छा ये 150 रुपए का अपने यहाँ से पड़ेगा है ना, कितनी पर्ची आएगी? 416। अच्छा इसमें 416 पर्ची आएगी ना, खाली जाने पर बच्चों को स्टिकर मिलेगा है ना। और ये देख सकते हो काफी अच्छे अच्छे आइटम इसमें मिलने वाले हैं बच्चों के द्वारा। अच्छा ये चाबी वाली ट्रेन मिलेगी और ये देख सकते हो बच्चों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं ऐसे आइटम और काफी ज्यादा मतलब चलते भी है मार्केट में ना, गाँव देहात में काफी ज्यादा चलने वाले आइटम है। ये अपनी लाइट ग्रिल है, हाँ इसमें लाइट जलती है, फिर ऊपर रबड़ दिया। अच्छा रबड़ दिया है इसमें ना। अच्छा ये किस रेट में आएगी भैया? ये 54 रुपए दर्जन। अच्छा 54 रुपए का एक दर्जन आने वाला है ना, तो 10 रुपए की सेल वाली आइटम भैया है ना, ये देख सकते हो 54 रुपए का 12 पीस पड़ने वाले हैं और 120 रुपए की सेल में निकल लेगा। अच्छा इसके बाद कौन सी आइटम आएगी? सर ये अपनी है लट्टू, ये देख सकते हो लाइट वाली लट्टू फिरकी है ना, 78 रुपए। अच्छा 78 रुपए दर्जन आएगा ये ना। अच्छा भैया ये भी 120 रुपए की सेल में निकल जाएगा ना। सर ये अपना बैंड है, लाइट बैंड, ये आपका 58 रुपए
दर्जन। अच्छा ये 58 रुपए दर्जन है ना, तकरीबन 5 रुपए का पड़ने वाला है, 10 रुपए की सेल में निकल जाएगा। और बच्चों के लिए काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं ना, काफी शानदार शानदार आइटम है। सर अपनी लाइट बॉल है 54 रुपए दर्जन, ये देख सकते 54 रुपए का एक दर्जन मिलने वाला है ना। अच्छा भैया ये सर अपनी नोट लॉटरी है, 14 रुपए में 60 रुपए बटे जाएंगे। अच्छा 14 रुपए में 60 रुपए बनने वाले हैं, ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी आइटम मिलने वाले हैं। तो 4 गुना मार्जिन मिलने वाला है इस आइटम पे। और भी आइटम देख सकते हो, नोट नोट है। हाँ अच्छा ये नोट हैंगर मिलने 50 रुपए के, हाँ 7 गड्डी, ये देख सकते हो 50 रुपए में 7 गड्डी मिलने वाली है ना। अच्छा नोट हैंगर में भी एक दो वैरायटी मिलती है अपने पास है ना, एक ये लोअर वैरायटी है और हाँ। हाई क्वालिटी। अच्छा इससे एक हाई क्वालिटी ये मिलने वाली है, क्वालिटी है। अच्छा भैया ये किस रेट में आएगी? 90 रुपए। अच्छा 90 रुपए में 7 गड्डी मिलेगी इसमें ना, ये देख सकते हो आप दो प्रकार की आइटम मिलने वाली है इसमें भी इनके पास। तो इन आइटम ये यहाँ से लेके 20 रुपए गड्डी में आराम से सेल होने वाली है ना, 140 रुपए बन जाएंगे। और भी आइटम देख सकते हो, स्माइली बॉल वगैरह। और ये स्माइली बॉल है अपनी 125 रुपए, ये देख सकते हो 125 रुपए बॉल भी आती है वो 135 रुपीज़। अच्छा 125 रुपए में ना 12 पीस मिलेंगे ना। अच्छा भैया और ये कार पत्ते वगैरह मिलने वाले हैं अपने यहाँ से ना, ये कार पत्ता है जी। अच्छा 85 रुपए, 85 रुपए में ना एक दर्जन है ना। अच्छा ये सर अपनी एक्सप्रेस है, हाँ 75 रुपए के 25 पीस। अच्छा ये देख सकते हो 75 रुपए में 25 पीस है ना, 3 रुपए का पड़ने वाला है, 5 रुपए की सेल में आराम से निकल जाएगा ना। अच्छा भैया सर अपने 12 पीस कार है, आपकी 85 रुपीज़ की, ये देख सकते हो ना ये वाली 85 रुपए में एक दर्जन है ना, तो 10 रुपए की सेल में निकल जाएगी ना। और काफी शानदार शानदार वैरायटी मिलने वाली इसमें देख सकते हो आप। सर ये दर्जन वाली कार है, हाँ ये आपकी 78 रुपए दर्जन, ये देख सकते हो 78 रुपए दर्जन है ना, 6.5 रुपए का पर पीस पड़ने वाला है, 10 रुपए की सेल में ये भी निकलेगी। अच्छा भैया सर ये फिर अपना बबल आ जाता है। अच्छा ये देख सकते हो बबल की वैरायटी मिलने वाली, बड़ा वाला बबल है ना। अच्छा भैया ये आपका 130 रुपए के 24 पीस। अच्छा ये 130 रुपए में 24 पीस आएंगे ना, और 240 रुपए बढ़ने वाले है ना। हाँ जी। अच्छा सर अपना छोटा बबल है 75 रुपए के 30 पीस, ये देख सकते हो 75 रुपए में 30 पीस पड़ने वाले हैं ना, 2.5 रुपए का एक पीस पड़ेगा, 5 रुपए की सेल में निकल जाएगा ना, 2 गुने का मार्जिन मिलने वाला है। अधिकतर आइटम ऐसे हैं जिनमें मतलब 50% 60% मार्जिन तो हर आइटम पे मिलने वाला है इन पे। और ये देख सकते हैं जेली है, जेली टाइप में बच्चे खेलते हैं, हाँ ये 5 रुपए सेल की है, ये देख सकते हो 5 रुपए सेल वाली आइटम है, और ये 10 रुपए सेल। अच्छा ये 5 रुपए और ये 10 रुपए सेल वाला आइटम है हमारे पास, एक आ जाती है अपनी। अच्छा भैया अपनी 30 पीस में 100 रुपए की, ये 30 पीस 100 रुपए का पड़ने वाला है ना। अच्छा ये वाला ये आपका 170 का, 170 में कितने पीस आएंगे? 48 पीस आएंगे। ये आपका 150 रुपए के 24 पीस, ये 150 रुपए में 24 पीस। अच्छा भैया ये अपना 140 के 24 पीस, ये देख सकते हो 140 रुपए में 24 पीस आएगा, पैकिंग भी काफी अच्छी मिलने वाली है इसमें। ये अपना एक क्रेजी बॉल है, हाँ 85 रुपए के 24 पीस, 85 रुपए में 24 पीस है ना, 5 रुपए की सेल वाला है भैया है ना, 120 रुपए बनेंगे। 95 रुपए के 36 पीस। अच्छा 95 रुपए में 36 पीस है ना, तो इस पे तो काफी अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, अगर 5 का बेचेंगे तो 180 बनने वाले है ना, 95 में 180। 100 पीस की है, हाँ ये 85 रुपए के 100 पीस। अच्छा 85 रुपए के 100 पीस है ना, 2 रुपए का सेल का है तो 200 रुपए बनने वाले है 85 रुपए में ना। अच्छा और ये वाला आइटम ये कौन सा बचा है भैया? सर अपना ये भी लॉटरी है, हाँ आपका 32 रुपए के। अच्छा 32 रुपए में कितने 60 रुपए बनने वाले हैं ना, ये देख सकते हो 60 मतलब स्क्रैच कूपन मिलेंगे 32 रुपए में 60 रुपए बनने वाले हैं। आपको किलो में मिल जाएगा हमारे पास। अच्छा खुला भी मिल जाएगा ना किलो में? अच्छा किलो, अच्छा 75 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाएगा ना, खुला चाहिए तो इनको। तो वैरायटी वगैरह काफी मिल जाती है। तो भाई अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करता है तो उनको फोटो वगैरह मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी। अच्छा फोटो वगैरह मिल जाएगी ना। तो भाई अगर आपकी शॉप पर कोई विजिट करना चाहे तो नियर बाई रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन कौन सा रहेगा? सर मेट्रो स्टेशन तो है तीसियारी, हाँ और रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पुरानी दिल्ली दोनों पड़ने। तो भैया नियरेस्ट कोई लैंडमार्क बताइए जिससे आपकी शॉप पे आराम से विजिट कर सके, क्योंकि सदर बाजार में शॉप ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ना। आप पूछ लीजिएगा काशीराम छोले वाला। अच्छा काशीराम छोले वाले की गली में अपनी शॉप पड़ने वाली है ना, आप मतलब तेलीवाड़ा चौक पे आने के बाद काशीराम छोले वाला पूछ सकते हो, या प्रताप मार्केट में एंटर होने के बाद काशीराम छोले वाला पूछ सकते हो ना। फोन कर सकते हैं, हाँ फोन कर सकते हैं ना, अगर फोन नहीं पिक किया जाता तो काशीराम छोले वाला पूछ सकते हैं प्रताप मार्केट में आने के बाद। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी नई नई वीडियो आगे देखते रहने के लिए।